अगर गलती से गलत नंबर पर हो गया है रिचार्ज तो आपको अफसोस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसे बहुत ही जल्द आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। क्या है प्रोसेस, कैसे आपको कंप्लेन करनी है और कौन कौन से चांसेस हैं जब आपके पैसे वापस आने के चांसेस होते हैं, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो यदि आपने गलती से गलत नंबर पर रिचार्ज कर दिया है तो आपको अफसोस करने की जगह जल्द से जल्द कस्टमर केयर पर कॉल करना चाहिए। जिस भी ऑपरेटर का आप सिम यूज कर रहे हैं, आप उनको कॉल करें और उनको पूरी डिटेल बताएं, जैसे कि आपने किस दिन रिचार्ज करवाया, कितने रुपए का रिचार्ज करवाया और किस प्लेटफॉर्म से आपने रिचार्ज करवाया। तो आप जितनी जल्दी कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे उतनी ही जल्दी पैसे वापस आने के चांसेस हैं। साथ में आप ईमेल भी कर देंगे तो अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर केयर में कॉल नहीं हो रही है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। आपको सारे ऑपरेटर के ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप उनको ईमेल भी कर दीजिए। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपने जो कंप्लेन की है उस पर काम नहीं हो रहा है, तो आप नेशनल कस्टमर केयर हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। तो अब कौन से चांसेस हैं जब आपके पैसे वापस आने के ज्यादा चांसेस बनते हैं, तो आप जितनी जल्दी कंप्लेन करोगे उतनी ही जल्दी पैसे वापस आने के चांसेस हैं। और आपने जिस नंबर पर रिचार्ज करवाया है और जिस नंबर पर आप रिचार्ज करवा रहे थे, उन दोनों में कुछ नंबर की डिफरेंस होगा। मतलब जैसे कि हम लोग जल्दी जल्दी में एक दो नंबर मिस कर देते हैं, 9 की जगह 8, 3 की जगह 2, ऐसा कर देते हैं, तो ऐसे में पैसे वापस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कंपनी बैकेंड पर काम करती है और उसके बाद अगर कंपनी को सही लगता है कि हाँ जेन्युइन है ये और सच में ऐसा ही हुआ है, तो आपके पैसे वापस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। मैं हूं निधि और आप देख रहे हैं नो मैच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।